हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी एकदम बढ़िया है। तो जैसे कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि रजत क्या क्या सामान लेके आया ना, मुझे सबसे पहले वो देखना है। मैं तो देखो उसी दिन देख लिया था, बट आप लोगों को आज दिखाती हूँ। और उससे मुझे याद आता है कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे ये भी कहा था कि इस वीडियो में कुछ धमाकेदार, कुछ धमाल होने वाला है। तो वो धमाल ये है कि हम घर आए नहीं होते उससे पहले दूसरी जगह जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। और इस बारी जहाँ हम जा रहे हैं ना, बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं। क्या करने वाले ये सब बताऊंगी आपको, बट उसके लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना होगा। और फिलहाल मैं आपको अभी का हाल दिखाती हूँ हमारा क्या है। यार मैं इसे सच कहूँ ना, मुझे लगा नहीं था कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा मिस करोगे। इतने सारे कमेंट्स होते थे मेरे लिए, तो थैंक यू, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और रजत मुझे कहते थे यार सब तुझे ही प्यार करते, मुझे कोई प्यार नहीं करता। फिर मैं रजत को कहती थी अरे नहीं नहीं तुम्हारे लिए भी तो इतने सारे अच्छे कमेंट्स आते हैं। बस ये अलग बात है कि मेरे लिए ज़्यादा ही अच्छे कमेंट्स आए यार। और ना इतने टाइम से ना ऐसे होता था, सारे कमेंट्स रजत के लिए होते थे और मुझे लगता था क्या कोई मुझे प्यार ही नहीं करता, मेरे लिए कमेंट्स ही नहीं आते। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस टाइम ये सब कुछ देख के कि आप लोग मुझे इतना मिस कर रहे थे, इतना प्यार करते हो। थैंक यू गाइस, आई लव यू सो 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 मच। एक जगह के बैग्स खुलते हैं तो दूसरी जगह की पैकिंग शुरू होती है हमारी। अब दिखाओ जरा क्या लाए हो तुम सबके लिए। पापा को आना पड़ेगा। पापा जल्दी आओ, इधर कुछ दिखाऊंगी आपको। इधर आओ। वाओ दैट्स ग्रेट। क्या है ये? गोपाल। वो तो आपका नाम तो है, बट है क्या चीज है ये? ये मैं समझता हूँ कि पर्स टाइप, मतलब कार्ड होल्डर। कार्ड होल्डर एग्जैक्टली। थैंक यू रजत। रजत ने सबके लिए ऐसे कस्टमाइज लेके आया है, देखो तो सही, पूरा बैग भरा है। किस किस में? रूदी अप्पू जी का है और बहुत सारे। रजत कहता दुकान वाला भी खुश हो गया मुझसे कि इतने सारे ले जा रहा है। ये शिवानी के हस्बैंड का है, ये रूबी का है। और दिखाओ बनकर के आते हैं, बनकर के नहीं आते, अब बनवाने पड़ते हैं। ये मम्मी का। वाह 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 वाह, आज माता जी कर रही है बड़ी मेहनत। रजत के स्वागत में बना रहे सिद्धू। सिद्धू नहीं, पकवान। पकवान सिद्धू तो हमेशा बनते हैं, तो पकवान। तो सिद्धू मेकर में क्या है? सिद्धू मेकर में तो चलो सिद्धू तो हमारे डेली होते ना, हमारे सिद्धू मजाक के लिए ना बने। अच्छा मजाक क्यों बनेगा, हम हर कभी थोड़ी बनाते हैं सिद्धू, तभी बनाते हैं जिस दिन कुछ खास होता है। आज और अब रजत बेचारा इतने टाइम से आया है। बाबर। हाँ जी वो है, वो बाबर। सो बहुत कुछ तैयारियां चल रही है और बहुत कुछ होने वाला है। वो सब क्या होने वाला है वो सब हम आपको बताएंगे, बट अभी नहीं, उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा फिलहाल यहाँ पे, क्योंकि खाना बन रहा है। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, पता नहीं मम्मी कैसे रुके, मुझे तो पसीने आने लगे इतनी सी देर में। रजत ने ये लाया चॉकलेट का थैला, इसमें इतनी सारी चॉकलेट्स है। बट यू नो व्हाट, ये देखो ये पैकेट, ये भी खुला हुआ है, ये वाला बंद है, ये भी खुला है, ये भी खुला है, और ये देखो ये भी खुला है, और ये भी खुला है, ये भी खुला है, और सब खुद ट्राई करिए। ये भी खुला है, इसका जिप लॉक है, ये देखो यहाँ से। ये रहने दो। रजत को कह रही थी ये क्या किया रजत तुमने यार, अगर हमको लोगों को देना होगा तो तुमने देने लायक ही नहीं छोड़ा, सारे पैकेट्स खोल दिए। तो रजत कहता है कि मैं देने से पहले खुद ट्राई करना चाह रहा था कि क्या ये चीजें देने लायक भी है या नहीं। ये बढ़िया है तुम्हारा। और अभी भी रजत फिर से खाने लग गया। नहीं नहीं मुझे नहीं खानी, मुझे नहीं खानी, मुझे चॉकलेट पसंद ही नहीं। तो अभी गिफ्ट देना शुरू करते हैं, सबसे पहले मम्मी का देते हैं। और अंदर किचन में मम्मी के साथ कृष्णा भी है, तो कृष्णा को भी दे देते। ये है कृष्णा का गिफ्ट। और ये है माता का गिफ्ट। ये रानी। वाह 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 वाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी मेरे हाथ बिजी है। तो क्या आपने शेक हैंड करना था? फौरन जाके भी मेरे को याद रखा गया। बाहर जाके तो और याद आती है। सो कैसा लगा आपको? होते ही सुंदर, ऐसे ऐसे रजत सब के लिए लेके आया है। हाँ। कृष्णा के लिए इसलिए स्टॉल लाया, जब अपने गांव जाएगी तो सर्दी ना लगे। थाईलैंड की खास शॉल है। हाँ इसमें, हाँ थाईलैंड में हाथी बड़े फेमस है, इसमें अंदर हाथी होगा। वाह कृष्णा, कृष्णा नहीं कृष्णा, तुझे इसको अपनी गिफ्ट इतनी पसंद आ रही है कि मुंबई की गर्मी में भी शॉल पहनने को तैयार है। कितने टाइम पहले से मैंने अपने ये सब शुरू कर दिया था, बट जिस दिन जाना होता है ना असली पैकिंग, तो उसी दिन हो पाती है। सुबह से शाम हो गई, रजत का ये हाल है, अभी तक पैकिंग चल रही है। हाल हो गए हैं। मम्मी यहाँ पे फटाफट रोई निकली। हाँ भरे ही जा रहे हैं। मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि मम्मी फटाफट से लपेट दो, इसका डिजाइन मत लगाओ। मम्मी पहले पता है सारे में बिछा बिछा के रख रहे थे, मम्मी स्पेस नहीं बचा है।
तो मैं रोज दी को ठुसवाऊंगा वहां देख के, एक भी तिनका वेस्ट नहीं जाएगा। मुझे अब वो याद आ रहा है जब हम ट्रेन से आए थे ना और इतना सामान लेके आए थे और हमको ऐसा हो रहा था यहाँ पहुंच के अब सब यूज करना है, कनाडा पहुंच के भी हमारा यही हाल होने वाला है, वहां पहुंच के हमको ये होगा सब यूज करना है। घड़ी आ चुकी है, पहले देख तो ले वेट कितना है। इसमें 500 ग्राम जगह थी, अब देख रहे कितना बचा, 24 पॉइंट यार। अब करो फिर से खाली, ये सारा सामान एक्स्ट्रा हो गया था, मम्मी वापस रख रहे, मम्मी को बहुत बुरा लग रहा है। बेस्ट ऑफ जर्नी, आराम से जाना, लंदन पहुंचते ही हमें सूचना दे देना कि भी कितने बजे पहुंचा। अब हमें बस लगे इतना सारा किताबों को, मम्मी से बाय बाय कर रहे हैं और मम्मी हमारे साथ आ रहे हैं। लगेज देखो हमारा भरा पड़ा है, लगेज की तो बात मत करो। आज हमारा मतलब दिन के 2 बजे से लगे थे और आई गेस 8:30 बजे तक हम पैकिंग ही कर रहे थे क्योंकि हर बैग का वेट ज्यादा हो रहा था, तो कभी किसी से बादाम निकाल रहे थे, कभी किसी से शूज निकाल रहे थे, कभी कोई स्वेटर निकाल रहे थे, हाँ कहीं से तो वेट कम हो, तो बड़ी मुश्किल से हमने सब बैग का वेट 23 किया है। और बस इसी के साथ अभी हम पौने दस हुए, मम्मी अच्छा मानते हैं ऐसे 1:15, तो चलो निकलते हैं। ठीक है, बाय बाबा बाय, ध्यान रखना आप भी, थैंक यू बाय। रजत की मम्मी बोल रहे हैं कि मुझे टेंशन तब थी जब अकेला थाईलैंड गया था, अब नहीं है टेंशन, अब तो होनहार बहू साथ में जा रही है। होनहार बहू अगर सो जाएगी तो कहीं का कहीं पहुंचा देगी। पर मम्मी फ्लाइट बस की तरह नहीं चली रहती ना कि उतरो जिन्होंने उतरना है। चलो कोई नहीं, मैं तो सच बोल रही थी कि कोई बात नहीं, बच्चे मजे से जाने अपने आराम से, बस जब एक बार वहाँ पहुँच जाए बस, तब कुछ नहीं, तब तो तब तो बढ़िया से पिकनिक मनाएंगे। ठीक है मम्मी, हम यहाँ से टाइम पे निकल गए, टाइम से पहुँच जाएंगे, आप सो जाओ, अब परसों हम आपको बताएंगे कि कल का भी, कल का इंतजार में ना क्या पता, कई बार सिग्नल का पता नहीं होता ना, नहीं होता कई बार एयरपोर्ट पे वाईफाई चलता, पर मेरे पास ना इंटरनेशनल रोमिंग ऑन है मेरा, तो चली पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कल नहीं आया तो घबराना मत, परसों तो हम पक्का करेंगे फिर। ठीक है, ठीक है, बाकी अगर थोड़ा बहुत भी सिग्नल मिलेगा तो मैसेज कॉल या जो भी होगा वो हम कर लेंगे, टावर पे चढ़ के ढूंढ लेंगे। तो पक्का ही चढ़ेगा मुझे जितना, सही बात है मम्मी, जितना तो ये आपके लिए है ना, ये टावर पे भी चढ़ सकता है। ठीक है जी, ओके गुड नाइट, गुड नाइट। फिलहाल हम घर से ऑन टाइम निकल चुके हैं, पहली बार शायद, पर आज जो हमारी पैकिंग में वाट लगी है ना, मैं उसके बारे में बोल ही नहीं सकती हूँ। आज इतने घंटे, ये मेरी आज तक की सबसे मुश्किल पैकिंग, आज हम 3 बार नहाए। हाँ हम फाइनली घर से निकल चुके हैं, और कहाँ के लिए निकले हैं उसके लिए आपको बने रहना पता है, मम्मी ने दिन में 2-3 बार तो बता दिया आपको बने रहना पड़ेगा। जब भी हमको कहीं जाना होता है ना तो मम्मी का ये हाल हो जाता है, रजत की मम्मी को समझा रहे कि आप बहन जी टेंशन ना लेना, ऐसा ना लेना, खुद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनका तो फर्स्ट टाइम है अभी कि बच्चे को इतने दूर भेजना है। रजत पहले भी स्कॉलरशिप के लिए गया था, वो तो ऐसा होता ना थोड़े थोड़े दिन के लिए चले जाए बच्चे आ जाए, तो वो नहीं, जब ज्यादा टाइम के लिए जाना हो तो थोड़ा सा लगता है। तो यस, सुबह से ही मम्मी के ना फ्यूज उड़े हैं, मुझे साफ पता चल रहा था, और शक्ल बता रही है, अगर मैं झूठ बोलूँ तो शक्ल तो ऐसी है, इसका तो क्या करें। फिर मम्मी ना ये देखा कि गाड़ी में कितना सामान है, एक सीट बची, फटाफट से तैयार हो गई, मैं भी चलूंगी एयरपोर्ट छोड़ने, मैं भी चलूंगी। ठीक है चल पड़ो, पर ऐसा मत करना एयरपोर्ट तो मुझे तब भी आना था, चाहे मुझे अटैच के ऊपर बैठना, मुझे दिख रहे पीछे बैठे। मुझे तो मम्मी का ये भी खतरा है कि मम्मी एयरपोर्ट पहुंच के ये बोलते मैं फ्लाइट में लटक के चल पड़ती हूँ, थोड़ी सी जगह है मैं यहाँ बैठ जाऊँ, मुझे भी साथ ले चलो। सो यस, अभी हम अपनी हैप्पी जर्नी शुरू कर रहे हैं, ब्लॉग के थ्रू हम हमारे को वहाँ का सब कुछ दिखा, फोन नहीं करना, फोन नहीं करना, सिर्फ ब्लॉग के थ्रू। अरे फोन तो डेली होता रहेगा, मतलब कि पूरा कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं क्या, वो आपको ब्लॉग दिख जाएंगे। वही वही बोल, मम्मी 1 घंटे से कभी बोल रहे ये इस तरह ले जाना, सिड्डू ऐसे करना, खाना फ्रिज में रख देना, जितना खाना होगा उतना ही गर्म करना, सारी इंस्ट्रक्शन दिए जाने, ऐसे करना वैसे करना, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है, वैसे तो मुझे पूरा भरोसा है कि मतलब तुम जो भी करोगे अच्छा करोगे, पर ये इतना लंबा ट्रेवल करके जाओगे तो ऐसे ना हो थक के तुम्हारे को यही पता लगे कि हम लाए क्या, और वो सामान उसी में सड़ जाए। दूसरी टेंशन मम्मी को ये चलिए कि मम्मी का घी पहुंच पाएगा या ऐसा बोलना कस्टम्स में, वैसा बोलना, पता नहीं क्या क्या सिखा दिया हमें, डरना मत जब वहाँ क्वेश्चंस पूछेंगे तो कॉन्फिडेंटली बोलना होता है। ठीक है मम्मी, लो जी पहुंच गए, ब्रिटिश एयरवेज देखो आगे होगा, इस बार हमारा लगेज ना भर भर के जा रहा है।
हाँ मम्मी नहीं 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 बहुत भारी है, बहुत भारी है। कोई बात नहीं, नहीं ऐसे फालतू में क्यों उठाना, ये सबसे बड़ा एक में आएगा इतना। नहीं 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 ना, दो ट्रॉली तू सारा तू ही थोड़ी उठाएगी यार, मैं भी उठा लूंगा फिर। गर्मी भी लग रही है बट लगेज एक्स्ट्रा, फिर भी आप कोटी पहन रहे हो। बूट्स वो भी फर वाले, यहाँ से मुंबई से पहन के जा रही हूँ, उबाल आ रहे हैं मुझे। ये वही बूट्स है जो रोजी थी जब कनाडा से आए थे ना, तो लाए थे। कनाडा ही जा रहे यूज होने के लिए। नहीं नहीं मुनाज मैं अभी आ रही हूँ, देखना मेरे को नहीं छोड़ जाना यहाँ। अभी एक्चुअली ना मम्मी हमको छोड़ने के लिए उतरे कि बेटा ढंग से करना, ऐसे करना, और हमारे पास छह बैग है। तो जो भैया हमारे साथ हमारे को ड्रॉप करने आए हैं ना, इनको लगा कि मम्मी भी जा रही है, उन्होंने गाड़ी शुरू कर दी। भैया कहते हैं मुझे लगा आप भी जा रहे हो। चलो ठीक है, बाय बाय बाय। और तुमने भी अच्छे से रहना, बाय बाय बाय, ध्यान रखना। तुम दोनों बहुत अच्छे से, हम तो अभी घूमने जा रहे हैं, क्या बोलती जा रही हो तुम? तो तुम्हारे को घुमाएंगे वहीं पे, तुम्हारा गुरु कहता है वो वहां पे। लाओ बैठो, ये अच्छा टाइम आप मानते हो सवा दस, ठीक है, मन नहीं भर रहा। बाय। ठीक है मम्मी, कम से कम आपको एक घंटा हो गया बेस्ट ऑफ जर्नी बोलते हुए। ठीक है बाय। अब बाय तुम ज्यादा मत करो, बाय बाय बोल रही कि मम्मी अब चल। मम्मी कल तू ना रो जाए। चलो चलो ज्यादा देर नहीं खड़ना एयरपोर्ट पे, चलो निकलो। बाय। हाँ फोन करेंगे हम, बाय। हाँ हाँ इसका भी ध्यान रखूंगा, बाय। मुझे बस अब अपने लगेज की टेंशन है कि सब अच्छे से चेक इन हो जाए, और जो सिक्योरिटी चेक्स होते हैं ना उसमें हमारे बैग्स को ना पकड़े, बस स्मूथली सब पकड़े। मतलब क्या तुम, हम क्या ले जा रहे हैं? जैसे होता है ना कभी लिक्विड से रोक लेते हैं, कभी किसी चीज से। नहीं इस बार हमने पूरा ध्यान रखा है, पूरा एक एक चीज मैंडेट्स को फॉलो किया है। फिंगर्स क्रॉस सब कुछ अच्छे से हो जाए। एक तो रात को मुझे स्लीपिंग प्रॉब्लम भी इतनी ज्यादा नींद आती है ना। नैना इस स्पीड से तू धक्का देते देते कनाडा ही पहुंच जाएगी, थोड़ा स्लो चल। हमारी फ्लाइट डिले, हम जब भी टाइम से आए डिले होती ही होती है। मुझे नहीं पता, मेरे बैग में ही था ये। ये ना वो है स्लीपिंग पैड जो आइस पे लगता है, मम्मी को नींद नहीं आती, थोड़ी सी रोशनी आ जाए तो मम्मी को नींद नहीं आती है। मैंने अपने बैग से निकाल के अपनी मम्मी को दिया और मम्मी ने वापस नहीं डाला। और ये साइड में जब ट्रॉली पड़ी थी ना, तो तब उन्होंने शैतानी करी है। हाँ एक्चुअली मैम ने कहा कि जो आपके कैबिन बैग्स है वो भी आप चेक इन में दे दो अगर चाहते हो, बिकॉज डिले हो गए फ्लाइट तो अभी से ही चमकना शुरू हो गया। तो हम चाह रहे हैं कि हम खाली हो जाए बिल्कुल। You can't imagine the happiness. शॉपिंग के लिए फ्री है। सब हो गया मम्मी, लग ऐसा चमकाना कि हमारा चेक इन बैग तो चेक इन हुई गया, साथ में जो हैंड लगेज था कहा ये भी हम चेक इन में डाल देंगे। और इस लड़की ने मेरा ये पासपोर्ट भी इसमें रख दिया था, फिर बाद में मुझे बोलती है कहाँ है तुम्हारा सामान, मुझे बिना बताए आ जा मेरे पीछे पीछे। मुझे एक्चुअली ज्यादा एक्सपीरियंस है ना, अभी रिसेंटली फ्लाई करके आया हूँ इंटरनेशनल। ज्यादा आगे मत जा जब तक मैं ना सिखाऊं। रिसेंटली फ्लाई करके आए हो और मैं तुमसे ज्यादा कंट्रीज घूमी है, सो फॉलो मी। ओके यार तेरा आराम से निकल ही आता है सिक्योरिटी से, और मेरा रह जाता है, मेरा उधर चला गया है एक्सरे वाले के पास। पिछली बार मेरे बैग में पानी की बॉटल थी, आई मेड श्योर कि मैं पानी ना ले जाऊं, उसकी वजह से मेरा बैग अटका था। इस बार क्यों अटका भाई? इमिग्रेशन में भी मैं पहले फ्री होगी और रजत का नंबर अभी भी नहीं लगा है। अभी शॉपिंग करते करते मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ जरूरत थी तो इस नेकलेस की थी, एक ये लिया और एक परफ्यूम लिया अच्छे से, क्योंकि ड्यूटी फ्री से मिल जाना था, अभी बढ़िया सा मैंने ले लिया है। अब ये रोहित दीदी से मेरी लास्ट वीडियो कॉल हो रही है, इसके बाद तो हम एक ही फ्रेम में होंगे। तू सो जा प्लीज। हाँ मुझे नींद, तेरी आंखें ऐसी हो रही है। नैना मैंने तुम्हारे लिए दो बुक्स देखी है, Stop worrying and start living. तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। Thank you. What?
नहीं है मेरे पास, मैं लाया हूँ ना, चल प्लीज चल चल चल, मैं लाया हूँ, मेरे पास है अपना बॉक्स में, पोटली नहीं चाहिए, मैं खुद ले लूँगी, बाय मैं जा रहा हूँ बाय। सो फाइनली इतने इंतजार के बाद हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई फ्लाइट की, चलते हैं। देख बाहर क्या मस्त लग रही है फ्लाइट। नहीं ना, तो कंबल कुंबल लपेट के अभी से ही हम फर्स्ट रजत सुबह के 4 बजे हम सोए नहीं, पूरी रात ऐसी निकाल ली, अब तो सोना बनता है। बाय द वे अभी हम कहाँ तक जा रहे हैं? अभी हम लंदन तक जाएंगे, जहाँ का डिस्टेंस है 7,500 ऑलमोस्ट, 7,500 किलोमीटर, और उसके बाद लंदन में हॉल्ट है 3 घंटे का, उसके बाद हम जा रहे हैं टोरंटो कनाडा। इस जर्नी में हमने बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना एक्सपीरियंस किया। मेरी घड़ी में 38 हो रहे हैं जिस टाइम जोन में हमें उसके अकॉर्डिंग, और अभी 48 मिनट्स की और जर्नी बची है, लेकिन हम 8:27 पे पहुंच रहे हैं जो कि पहले का टाइम है। एक्चुअली जिस टाइम जोन में अब हम नेक्स्ट जाएंगे वो और भी पीछे होगा। बट दिस इज सो क्रेजी यार, तभी हमको जेट लैग भी होता है। Exactly. और फिर भी सोचती हूँ कि ये फिनोमिना कैसे चल रहे हैं, कहीं पे कुछ टाइम है, कहीं पे कुछ टाइम है, कहीं दिन है, कहीं रात है। और जब से हम चले मतलब सुबह ही हो जा रही है, हर कंट्री में सुबह हो जा रही है। और अब जब हम कनाडा पहुंच जाएंगे ना, तो हम इंडिया के हिसाब से एक दिन लेट चलेंगे। तो यहाँ तक तो हमारी एक फ्लाइट थी, अभी लंदन से हमारी है टोरंटो की फ्लाइट, जो हमारी एक्चुअल डेस्टिनेशन है। मुझसे पूछ कितनी संतुष्टि हो रही है। यूजुअली मेरे साथ होता है एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी में वापस जाना पड़ता है हमेशा दिखाने चीज़ें, और आज इसको सब कुछ लंदन हीथरों में एक एक मेकअप प्रोडक्ट बाहर निकालना पड़ रहा है इसमें प्लास्टिक बैग में सील करके। क्या हुआ यार, मेरा कोई नया ले लेंगे अगर गया यार, या तो फिर वहाँ पर उनको ड्यूटी फ्री वालों को बताना चाहिए कि ठीक है इसको जिप लॉक रखना है या इट इज़ नॉट अलाउड, कुछ भी बताओ तो सही। इतनी ऐसी चीज़ें नई नई, अरे जैसे खुली चीज़ें होती है ना इनको सस्पिशियस दिखती है, वो ये निकाल सब कुछ आ गया। ये क्या है लेकिन यार? ये नीम का पाउडर है। ऐसी चीज़ें तो रोकेंगे ही भाई ये, बट इसके लिए नहीं रोका था, हमारे लिक्विड भी चेक करने थे और हमारे बैग में एक योगर्ट था, तो उनको सस्पिशियस लगा, बट वो क्लियर हो गया। रोने वाली है। हम हैं लंदन में और अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर में हम दूसरी फ्लाइट में बोर्ड करने वाले हैं। और लकीली हमको खाने में अच्छा मिल गया वेजिटेरियन खाना और थोड़ा फैमिलियर भी। बोर्डिंग शुरू हो गई है और अब हम आपसे कनाडा में ही मिलते हैं। पहुंचने वाले हैं, किसी खज्जल हो गया। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कनाडा टोरंटो, और हम सुबह मुंबई से चले थे 4 बजे और यहाँ हम पहुँचे दिन के 3 बजे, विच इज़ ऑलमोस्ट 11 आवर्स, जबकि हमको हमारा जो ट्रैवल टाइम था वो था 21 आवर्स, बिकॉज ऑफ द टाइम डिफरेंस, इतना डिफरेंस है। इंडिया में तो अभी आई गेस 2 बज गए रात के, और यहाँ दिन दोपहर हो रखी है 3 बजे। यहाँ पर बहुत ठंड है, मतलब -7 आई गेस। जो होता है अच्छे क्लियर था, जब हम मुंबई से निकले थे मुझे एक्स्ट्रा ऊपर से लेयर रहना पड़ा था, क्योंकि एक तो लगेज भी मेरे पास ज़्यादा था, और दूसरा रीज़न क्या था कि ये मम्मी ने रोजी के लिए भिजवाया था, तो इन्हें खुद लेने लगा थी, दूसरों का भला करते करते खुद का भला ये हुआ कि यहाँ पर इतनी सर्दी है कि मन कर रहा है कि ऊपर से कुछ बोलना। और दूसरी अच्छी बात जो मुझे लगाई थी ये थी कि हमारे सब्सक्राइबर्स वैसे हर जगह, हम मुंबई एयरपोर्ट पे थे वहाँ पर भी कोई मिले, हम लंदन एयरपोर्ट पे थे वहाँ पर भी मिले, और यहाँ पहुँचे यहाँ पर भी हमको कोई मिले। मैं यहाँ पे राउंड काट के आती हूँ ना कि हमारा कोई बैग नहीं है इसमें, तब तक तुम बेल्ट। हाँ हाँ मैं ये रखा है इधर, सब मिल गया, अभी काम मिला है सब, रोटी और सब मतलब सामान मिला। ठंड लग रही है, ठंड हाय, सियाने ना उसके बैग गिर गए पीछे, गिर गए। ओ शिट, तुम क्या कर रही थी? तू मेरा नया बैग खराब कर रही है। हाय, कितनी याद आई हमारी, बहुत याद आई तो है, हमें लगा था शिमला जितनी होती होगी। कितनी ठंड है, क्रेजी। ओए मुझे लगा ये किधर को बैठ गए, आप चलाओगे गाड़ी। कितने थके हुए
नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं थका हूँ, नो जेट लैग। ठीक है घुमाना शुरू करो हमें, हमें जाके व्लॉग एडिट करना है। इस टाइम हम इंडिया में डर जाते थे कि व्लॉग लेट हो जाएगा, बट इधर तो कोई डर ही नहीं है क्योंकि अभी इंडिया में रात हो रखी है, सुबह के 5:30 बज रहे हैं। कौन व्लॉग देखेगा, अभी हम मस्ती करते हैं उसके बाद हम एडिट करेंगे। मुझे बढ़िया सी कॉफी पीनी है। तो इससे आगे क्या होता है कैसे होता है वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। तब तक ये हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मेरी बहन एकदम तैयार है। और ये बताओ कि आप कितने एक्साइटेड हो। बहुत ठंडा है भाई वीडियो में, आप लहंगे से क्या होगा। मेरा हाथ भी हिल रहा है माँ का सब। नहीं नहीं घूमना था, चलो चलो चलो। गरम कर सीट, तो फुल कर दी सीट, गरम करो भाई। ओ भाई चीज भी इसमें लगी है कुछ। मेरे पास केचप है लेकिन अगर चाहिए, क्योंकि मैं तेरे साथ आई हूँ ना तो मुझे पता था केचप लाना पड़ेगा मुझे। हाउ इज इट रोजदी की बिल्ली ना हमसे इतनी चिढ़ चुकी है, एक बार तो मुझे काटने को भी पड़ चुकी है। नैना कैसे किया जाए, आपका घर है, हम मेहमान हैं, हमें माफ कीजिए देवी जी। फैलने थोड़ी ना, साइड दे थोड़ी जगह दे। डराया जा रही है हमें, हमारा चलना फिरना बंद कर दिया। कितना गुस्सा करती है सुबह से, आज तो सुबह ट्रीट मैं नैना तो साइड में बैठे मेरे को किसकी बिट्टी चल जगह दे उधर चलो जाएगी नहीं मैं बैठी हूँ। ये ना हमसे इतना चिढ़ चुकी है भाई।